कई बार क्या होता है हमारा इस तरह का महत्तम समापवर्त या लघुत्तम समापवर्त निकालने के लिए दे दिया गया होता है, भिन्न में दे दिया गया होता है। तो इस तरह के हम लघुत्तम और महत्तम समापवर्त कैसे निकालते हैं? इसमें देखो हमारा पूछा गया है 7 बजे 9, 14 बजे 15 और 7 बजे 10 का महत्तम समापवर्त यानी कि एचसीएफ क्या होगा। तो इस तरह के कैसे निकालने आपको आते हैं, निकालने नहीं आते तो कोई बात नहीं, आपको सिखाएंगे, आप सीख जाएंगे, बस थोड़ी ध्यान से देखना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखो वीडियो कैसे, ये देखो हम कैसे निकालते हैं। तो ये निकालने के लिए हमारे पास क्या हो रहा है, इसमें अगर हमें निकालने को दिया हो गया होता है महत्तम समापवर्त, तो हम अंशों का निकालते हैं महत्तम समापवर्त। इसका हमारा नियम ये होता है जैसे कि अगर महत्तम समापवर्त पूछा जाए तो अंश का महत्तम समापवर्त निकालना है, हर का लघुत्तम समापवर्त निकालना है। यदि लघुत्तम समापवर्त दिया जाए यहाँ पे लघुत्तम समापवर्त, तो अंशों का निकालना है लघुत्तम समापवर्त और हर का निकालना है महत्तम समापवर्त। जो भी पूछा गया है वो पहले निकालना है ऊपर वाले का, और जो बचा है उसका विपरीत निकालना है। तो इसमें पूछा गया है 7 बजे 9 14 बजे 15 7 बजे 10 का महत्तम समापवर्त, यानी कि हमें महत्तम समापवर्त निकालना है। तो हमें पहले क्या निकालना है, महत्तम समापवर्त किसका, अंश का। तो अंश का 7 14 और 7 का निकालना है एचसीएफ, अंश का महत्तम समापवर्त बटे हर का लघुत्तम समापवर्त। तो इसका महत्तम समापवर्त कितना आ जाएगा, 14 7 7 2 14 कितना आ गया, 7। महत्तम समापवर्त हमारा 7 आ गया। तो ठीक है, तो HCF इज इक्वल टू 7। इसका अब इसका निकालना है हमें लघुत्तम समापवर्त 9 15 और 10। तीन तथा नौ अपना 45 दूनी 90, एलसीएम इक्वल टू 90 कितना आया, 90। तो इसमें हमें भी क्या करना है, इसमें हमारा ये होता है कि अगर महत्तम समापवर्त दिया है तो अंशों का महत्तम समापवर्त बटे हर का लघुत्तम समापवर्त, यही होगा हमारा आंसर। तो बराबर हमारा क्या महत्तम समापवर्त खींचा गया, तो कितना हो जाएगा, 7 बटे 90, यही होगा हमारा क्या आंसर। अगर यहीं पे पूछा दिया जाता और लघुत्तम समापवर्त, तो अंश का निकालते हैं हम क्या, लघुत्तम समापवर्त, और हर का निकालते हैं महत्तम समापवर्त, और जो भी आ जाता है उसको भिन्न के रूप में लिख देते हैं। ठीक है, यही होता है हमारा इसका निकालने का नियम। अब हमको सिखाते हैं आगे, आंसर हमारा समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, कुछ नहीं है निकालने के लिए, बस लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त निकालने हैं। तो इसमें हमारा होता है हर का महत्तम समापवर्त बराबर होता है अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम, ये होता है हमारा। अगर एलसीएफ पूछा जाए तब, और एलसीएम पूछा जाए होता है हमारा एलसीएम निकालने के लिए, समझ में आ गया। ये निकालने हैं आपको, ये रखने हैं याद, ये कॉपी लेके बैठा करो, मैंने पिछली वीडियो में कहा था ये लिख लिया करो, आपको याद ना रहा तो रहता है। तो इस तरह निकालते हैं ये, हम कौन से, ये भिन्न वाले निकालते हैं। एलसीएम पूछा गया तो अंश का निकालना है एलसीएम, और हर का निकालना है एलसीएम। यदि एलसीएम पूछा गया तो अंश का निकालना है, जो भी पूछा गया हो वो पहले निकालना है, जो भी पूछा है वो निकालना है पहले, और जो बचा है वो बाद में निकालना है, सीधी सीधे। तो इस तरह आपको याद रखना है, लिखने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे निकालना है। अब हमें पूछ दिया गया है कि कोई भी भिन्न दी हुई है, उसमें हमारा पूछा गया है कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम पूछा गया तो सीधी सी बात है, अंश निकालना है, एलसीएम निकालना है, और हर बचा बचा पूछा गया है, हर का निकालना है हमें क्या, एलसीएम, और महत्तम समापवर्त यानी कि एचसीएफ पूछ दिया जाए तो अंश का निकालना है एचसीएफ, और हर का निकालना है एलसीएम। इस तरह हम ये हल कर लेंगे, जो भी आएगा, अगर पॉइंट में आंसर दिया होगा तो उसे हम और छोटा रूप बना देंगे, इस तरह करेंगे हम हल। ठीक है, तो इसी हमारा एचसीएम और एचसीएफ वाला चैप्टर फिनिश हुआ। इसमें हमारी वीडियो पहले आपको नहीं देखने को मिले हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि सबसे पहली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, लाइक करना ना भूलें, और सब
सब्सक्राइब करते हैं बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद।